और बीकानेर से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एसीबी की एक ही दिन में दो जगह कार्रवाई बीकानेर में भी हुई है। बड़ी कार्रवाई इस दौरान पूरे प्रदेश भर में जारी है एसीबी की ओर से लगातार। इसी क्रम में बीकानेर के खाजूवाला के सियासर चौगान का ग्राम विकास अधिकारी यहां पर ट्रैप हुआ है। पुनासर में पटवारी राम अवतार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बड़ी कार्रवाई हुई है यहां पर एसीबी की ओर से। बीकानेर में दो एक ही दिन में दो कार्रवाई और एसीबी एएसपी रजनीश पूनिया की कार्रवाई रही। बीकानेर में दो स्थानों पर डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। एक ही दिन में दो कार्रवाई बीकानेर में एसीबी की हुई है और खाजूवाला में सियासर चौगाम का ग्राम विकास अधिकारी यहां पर ट्रैप हुआ है। पुनासर में पटवारी राम अवतार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दो बड़ी कार्रवाई एक ही दिन में बीकानेर से भी सामने आ रही है। एसीबी एसपी रजनीश पूनिया की कार्रवाई ये रही है बीकानेर में और डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। एक ही दिन में बीकानेर में एसीबी की दो बड़ी कार्रवाई और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो इस वक्त एसीबी की ओर से काफी एक्टिव तौर पर इस प्रकार की कार्रवाइयों का दौर जारी है। चूंकि त्वरित यहां पर एक्शन लिए जा रहे हैं तो लगातार इस प्रकार की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। सत्यापन तुरंत यहां पर शिकायतों का करवाया जा रहा है और तुरंत यहां पर ट्रैप बिछाकर नामजद लोगों को यहां पर दबोच लिया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई बीकानेर में एक ही दिन में दो जगह पर डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में हुई है। खाजूवाला में सियासर चौगान का ग्राम विकास अधिकारी ट्रैप इस कार्रवाई में हुआ। दूसरी ओर पूनासर में पटवारी राम अवतार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के बाद में बीकानेर में एक ही दिन में दो स्थानों पर अलग अलग कार्रवाई यहां पर हुई है। ट्रैप कर लिया गया है दोनों ही आरोपियों को। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता सुरेंद्र डेलू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बताया बीकानेर में एक ही दिन में दो जगह एसीबी की बड़ी कार्रवाइयां रही, क्या अपडेट? जी बताना चाहूंगा कि आज बीकानेर के अंदर एसीबी का बड़ा एक्शन देखा गया है कि खाजूवाला के अंदर एक ग्राम विकास अधिकारी को 3500 रुपए की रंगे राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि की एवज के अंदर ये राशि मांगी गई थी, जिसमें 5000 रुपए की राशि मांगी थी। 1500 रुपए इसने परिवादी से पहले ले लिए थे, लेकिन आज 3500 रुपए की राशि लेते हुए रंगे हाथ एसीबी ने ट्रैप किया है। यह ग्राम पंचायत सियासर चौगान का मामला। इसके साथ ही आज बीकानेर की दूसरी जगह डूंगरगढ़ के पूंडरासर के अंदर एक पटवारी को ट्रैप किया गया। ऐसे में कहें कि आज बीकानेर के अंदर एसीबी पूरी एक्शन मोड में देखी गई है। दो अलग अलग कार्रवाई करते हुए दो जनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुरेंद्र। और बड़ी कार्रवाई हुई है एसीबी में, संवाददाता को सुना आपने। एक ही दिन में दो जगह अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई एसीबी की रही और दोनों ही कार्रवाइयों में आरोपियों को यहां ट्रैप कर लिया गया है। खाजूवाला में सियासर चौगान का ग्राम विकास अधिकारी पहले प्रकरण में यहां ट्रैप हुआ। दूसरी ओर बीकानेर के पुनासर में पटवारी राम अवतार को घूस लेते हुए ट्रैप किया गया। तमाम शिकंजा यहां पर एसीबी कस चुकी एक तरीके से कहा जा सकता है। प्रदेश भर में जिस भी प्रकार से यहां पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, लोगों के द्वारा यहां पर शिकायत की जा रही है और त्वरित रूप से यहां पर एसीबी की टीम्स पूरी मुस्तैदी के साथ में सत्यापन तुरंत कर रही है इस प्रकार की शिकायतों का और त्वरित उन पर एक्शंस लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जोधपुर में सुबह एक कार्रवाई हुई है और जोधपुर के बाद में बीकानेर में भी एक ही दिन में नियत दो स्थानों पर कार्रवाई हुई है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है घूस के साथ में, घूस की राशि के साथ में रंगे हाथों ट्रैप। एसीबी एएसपी रजनीश पूनिया की कार्रवाई रही। बता दें कि एसीबी एएसपी रजनीश पूनिया ने इस कार्रवाई को अंजाम अपनी अध्यक्षता में दिया। डीजी आलोक त्रिपाठी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। बीकानेर के दो स्थानों पर एक ही दिन में एसीबी की दो कार्रवाई। आज एक एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें बीकानेर जिले में आज दो बड़ी कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई है। खाजूवाला पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सियासर में
आज एक ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा 3500 रुपये रिश्वत लेने का मामला सामने आया, जिस पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ने दर्द दबोचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही है। आप 81 TV के एक्सक्लूसिव कैमरे में आप देख सकते हैं कि अपराधी लगातार ये रिश्वतें जो मांगी जा रही है, ग्रामीणों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है, वहीं ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आज एसीबी की टीम यहां पर एसीबी एडिशनल एसपी रजनीश पुनिया के निर्देशन में ये कार्रवाई करी है। हमारे साथ यहां पर सीआई है। सर, हम जानना चाहते हैं ये किस तरीके की कार्रवाई है और आपको किस तरीके की शिकायत सूचना मिली है। ये ग्राम पंचायत सियासर चौगान के निवासी नज़ीर खान ने 18 जुलाई को हमारे कार्यालय में एक लिखित शिकायत पेश की थी कि उनकी ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं माणक चंद, वो उनके सरकार के स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के जो सहायता राशि है वो उसके खाते में जमा करवाने के बदले उस पूरे आवास के सभी किस्तों और जो मस्ट रोल वगैरह है उनको ऑनलाइन करवाने के बदले में 5000 रुपये खर्चे पाने की रिश्वत के रूप में मांग कर रहा है, जिस पर जो परिवादी की रिपोर्ट थी उसका गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया गया और सत्यापन में ये ग्राम विकास अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने के तथ्य पाए गए। इस पर आज टैप कार्रवाई का आयोजन किया गया और आज अभी कुछ देर पहले ग्राम विकास अधिकारी माणक चंद ग्राम पंचायत सियासर चौगान को परिवादी से 3500 रुपये रिश्वत के लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई जारी है। सर, ये एसीबी की कार्रवाई किसके निर्देशन में हुई? हालांकि खाजवाला क्षेत्र से एसीबी की ऐसी कार्रवाई को लेकर कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है और बड़ी समस्या है, जैसे अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों के अंदर। ये कार्रवाई हमारे बीकानेर चौकी प्रभारी हैं श्री रजनीश पुनिया जी, उनके निर्देशन में कार्रवाई की गई है। और जब भी हम तो आपके माध्यम से भी ये जनता को कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है आपको रिश्वत की अनावश्यक रिश्वत की मांग करके परेशान कर रहा है या रिश्वत मांग कर रहा है तो हमारे कार्यालय में संपर्क करें, हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ अधिक से अधिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और हमें पीछे भी हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की कोई शिकायत हमें प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि निश्चित रूप से हम आगे भी ऐसी कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो आज 3500 रुपये की एक राशि के साथ जो पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, इसको लेकर यहां पर अभी कार्रवाई जारी है और एडिशनल एसपी रजनीश पुनिया के नेतृत्व में यह कार्रवाई की जा रही है। इनका कहना है कि अगर दोबारा भी ऐसी अगर कोई शिकायत आएगी खाजवाला तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।